के दरबार में जन कल्याण की दुआएं मांगते हुए तो सभी को देखा होगा, लेकिन कोटा के एक विधायक इन दिनों भगवान के दरबार में जाकर जनता को बीमार करने और उनके हाथ पैर तोड़कर सबक सिखाने की प्रार्थना कर रहे हैं। जी हाँ, यह रामगढ़मड़ी विधायक मदन दिलवार हैं, जो इन दिनों लोग स्वच्छता नहीं रखते हैं, सफाई अभियान का हिस्सा नहीं बनते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए भगवान के दरबार में कैसे दुआएं मांग रहे हैं। जरा आप भी देखिए कि विधायक मदन दिलवार का यह वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सब राजी खुशी रखना, लेकिन जो प्लास्टिक की थैली में सामान लाते हैं उधर चल जाओ, जो जो कागज के गिलासों में प्लास्टिक गिलासों में चाय पीते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, उनको बीमार कर देना, उनके घर में कोई कोई का हाथ तोड़ देना, पेड़ तोड़ देना, किसी का नुकसान हो जाए ऐसा कर देना, धन कभी उनके घर में मत आने देना। माँ तुमसे यही मेरी प्रार्थना है, ताकि सब सुखी रहेंगे, यदि गंदगी नहीं रहेगी तो सभी खुशहाल रहेंगे, ये मेरी